नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक पूरे 6 घंटे तक चली। बिहार के बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बिहार के अन्य जिलों के भी मुख्यालय और जिलों के जो SP हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM की क्लास में शामिल हुए। CM नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लेकर तमाम अधिकारियों को जोरदार लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बीते कुछ दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, ये बेहद निंदनीय है और प्रशासन को अपनी हाथों को और मजबूत करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आ सके। बीते करीब 1.5-2 साल से नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को लेकर बैकफुट पर चल रही है। एक के बाद एक अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो हुआ उस पर सरकार की तो देश से लेकर विदेशों तक में भी काफ़ी बेइज्जती हुई। उसके बाद वीडियो वायरल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक एक करके 6 जिलों तक फैला। आपसी मतभेद, रामनवमी के अवसर पर जो राइट्स हुए, जो छोटे मोटे राइट्स हुए मगर कई जिलों में अच्छा खासा असर दिखा गए। उसके बाद वीडियो वायरल से लेकर अब बीते कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, इन सब को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार बैकफुट पर है। इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसके कारण क्या हैं, यह तो कुछ सामने नहीं आता है, यह कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है, मगर घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, मीडिया में भी प्रकाशित हो रही हैं और बिहार की बेइज्जती देश भर में ज़रूर हो रही है। मामला अलग अलग जगहों पर रजिस्टर हुआ है जिसको लेकर के नीतीश सरकार को लगातार विपक्षी पार्टियों ने घेरा है। बिहार में अब एक दौर चल पड़ा है प्रदर्शनों का। हर कुछ दिन पर एक भारत बंद बुला दिया जाता है, बिहार बंद बुला दिया जाता है, राजभवन मार्च होता है, छात्र, नेता और अन्य दल के लोग प्रदर्शन करते हैं। गर्दनी बाग का जो धरना स्थल है वो हर रोज़ किसी ना किसी प्रदर्शनकारियों से भरा रहता है। मुद्दे कई सारे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लोग अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं। कभी कभी विपक्षी पार्टियां इसे ज़ोरदार रूप से उठाती हैं और गर्दनी बाग एक रणक्षेत्र बन जाता है जहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने होते हैं। लाठीचार्ज भी होती है, धक्का मुक्की भी होती है, कभी किसी महिला का कपड़ा भी फट जाता है। इन चीज़ों को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकसी चली आ रही है, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। अब विपक्ष भी और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव हैं और 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार खुद को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। एक के बाद एक वो अपने पार्टी के भीतर और महागठबंधन के अंदर भी अपनी पैठ को मजबूत तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अंडरस्टैंडिंग है पार्टियों के बीच और सरकार को घेरने का जो तरीका है उसको भी मजबूत बना रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो ना कि पक्ष के साथ हैं ना विपक्ष के साथ, मगर जनता के मुद्दों पर वो प्रदर्शनों में शामिल हो रही हैं, जैसे जाप है, जनतांत्रिक विकास पार्टी है, VIP पार्टी है और भी अन्य पार्टियाँ हैं जो कि प्रदर्शनों में शामिल हो रही हैं, लेकिन वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव फुल अलर्ट मोड पर हैं। 6 घंटे एक और बैठक चल रही थी नीतीश कुमार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों के साथ, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी अलर्ट पे थे। मीटिंग के मिनट मिनट की अपडेट्स अपने सूत्रों से, अपने कुछ मीडिया बंधुओं से ले रहे थे। उसके बाद मीटिंग खत्म होने से पहले ही तेजस्वी यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया कर्मियों को इन्वाइट करते हैं और नीतीश सरकार को घेरते हैं। हालांकि मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि बक्सर में हुई 2 लड़कियों के मौत का था, मगर तेजस्वी यादव लगातार अलर्ट पर हैं। बिहार की बात का मुद्दा वहां से शुरू होता है जो आज नीरज कुमार ने बयान दिया है और एक आंकड़ों की कंपैरिजन करने की सलाह दी है तेजस्वी यादव को। बेशक तेजस्वी यादव पार्टी में मजबूत पद उन्हें मिला हुआ है, उनकी बातें पार्टी के नेता मान रहे हैं, महागठबंधन में भी उनका दबाव ज़्यादा नज़र आता है, यह हम लोग बीते कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम से साफ देख सकते हैं, मगर नीरज कुमार ने
अब बात साख की कर दी है और तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है कि वह लालू के जंगल राज के आंकड़ों को यानी कि 1990 से लेकर 2005 के आंकड़ों को 2005 से लेकर आज की तारीख से मिलाने की बात कही है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं, सरकारों को भी घेरते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि लालू यादव का जो जंगल राज था वो किस तरह था और लालू राबड़ी ने किस तरह से बिहार को चलाया और कहीं ना कहीं बिहार को 15 साल पीछे ढकेल दिया। अब बात करते हैं लालू राज की और नीतीश राज की, जो भी कुछ घटनाएं हुई उसको एक कंपैरिजन करते हैं और नीरज कुमार के तेजस्वी यादव को दिए गए इस चैलेंज को थोड़ा आसान बनाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी अनमैरिड हैं, अगर लोग उन्हें बिहार के होने वाले सीएम के तौर पर देख रहे हैं तो उनके पास 2 सालों की माइनस पॉइंट नहीं है, वो अभी अनमैरिड है। हो सकता है कि वो बिहार को अच्छी तरह से चला लें, मगर जनता के बीच में अक्सर यह सवाल उठता है कि नीतीश नहीं तो कौन, और अगर तेजस्वी तो वो भी दोबारा कहीं जंगल राज 2 ना बन जाए। इस सवाल के बीच जनता अभी दोनों पार्टियों के बीच एनालिसिस में है। कुछ ऐसे वोटर्स तो दोनों पार्टियों के हैं, वोट बैंक जिसे हम कहते हैं, जो सीधा वोट डालते हैं, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, आंकड़ों को नहीं देखते, बस फैक्टर चाहे जातिवाद का होता हो या कुछ भी होता हो उस पर वोट डाल देते हैं, डेवलपमेंट शिक्षा सुधार व्यवस्था पे कम ध्यान देते हैं, मगर फिर भी एक ऐसा भी तबका है जो डिसाइडिंग वोट बनता है, जो बीच का वोट साबित होता है। तेजस्वी यादव में बहुत से लोगों को बिहार का नया सीएम दिख रहा है, कुछ लोगों को जंगल राज पार्ट 2 का भी नज़ारा दिख रहा है। आज नीरज कुमार ने चैलेंज किया है आंकड़ों को लेकर, क्राइम को लेकर। तो चलते हैं लालू के राज में, शुरू करते हैं 1995 से कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ। सबसे पहला आरोप उनके दोनों सालों पर लगता है कि उन्होंने अपराधियों को शरण दी और उनके संरक्षण में माफिया डेवलप हुआ, लूट, किडनैपिंग, मर्डर जैसे घटनाएं सामने आई। किडनैपिंग से शुरू करते हैं। किडनैपिंग की मामलों को देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि लालू के राज में कुल 3200 किडनैपिंग्स हुई, एक बहुत बड़ा आंकड़ा उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। कुल किडनैपिंग की संख्या बताई गई है और यह दिखाया गया है कि किडनैपिंग्स के क्या हाल थे। उसके बाद आते हैं मर्डर्स पे। मर्डर्स की भी संख्या इस राज में कम नहीं है, कई बड़े प्रतिष्ठित मर्डर के कांड भी सामने आए। लालू के राइट हैंड कहे जाने वाले साहबुद्दीन का भी हाथ कई मर्डर के केसेस में सामने आया और पुराने पत्रकार यह बताते हैं कि पुलिस पर सरकार का दबाव होता था, लालू यादव का दबाव होता था कि केसेस दर्ज ना किए जाएं, मगर सीएम साहब भी खुद कहते थे जाने दो अपना ही बच्चा है। और क्राइम का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ रहा था, महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी, बाहर नहीं आ सकती थी, पूरे बिहार में एक अलग सा माहौल चल रहा था। अब आते हैं तीसरे यानी कि एक्सटॉर्शन के मुद्दे पर। तो उगाही का भी खूब धंधा चल रहा था, बड़े बड़े क्रिमिनल्स सरकार के संरक्षण में उगाही का काम किए जा रहे थे, सरकार कोई मजबूत एक्शन नहीं ले पा रही थी, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का हाथ था उसके ऊपर। उसके बाद लूट, डकैती, एक्सटॉर्शन समेत अन्य ऐसे मामले हैं जो कि खूब फल फूल रहे थे लालू के राज में, और कहीं ना कहीं इसी कारण इसको जंगल राज का नाम दिया गया। कहा जाता है, जुमलों में यह भी कहा जाता है कि लालू राज में जो सबसे बड़ा व्यापार पनपा बिहार में वह किडनैपिंग का था। तो इस तरह से जो पुराने आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं लालू के राज को। बहरहाल अब आगे तेजस्वी को अगर मौका मिले तो वो कैसे सीएम बनेंगे, हम इस कंपैरिजन से तो नहीं जज कर सकते क्योंकि वो दौर एक और था, कई सारी रीजंस थे, कई सारे कारण थे उस दौर में, कुछ चीज़ होने के, कुछ ना हो पाने के। मगर आज का दौर अलग है, डिजिटल क्रांति का दौर है, मीडिया भी तैनात है, विपक्षी दल भी तैनात है, हर एक छोटी बड़ी बात जनता तक ज़रूर पहुंच जा रही है। मीडिया भी इस बात को अश्योर करता है कि जो कुछ भी घटना कोने कोने में कहीं भी हो वो सामने आए, वो उठे, वो पहुंचे,
तब जनसंचार का यह माध्यम इतना कड़ा नहीं हुआ करता था, इतना तेज नहीं हुआ करता था, और कहीं ना कहीं लालू यादव ने भी खुद को एक डिक्टेटर मान लिया था। वो कहते भी थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में आलू तो आज भी है, मगर लालू बिहार में हैं तो नहीं, झारखंड में है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, झारखंड के जेल में है। बहरहाल नीरज कुमार के इस आंकड़ों की एनालिटिक्स की बात ने सरकार और तेजस्वी यादव, सरकार को तो बहुत सपोर्ट दिया, तेजस्वी यादव को घेरा है। बहरहाल दोनों पक्षों ने अपने अपने प्रवक्ता तैयार कर रखे हैं। उधर से तेजस्वी यादव के घेरते ही इधर से बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव को पहले तो ट्विटर बॉय कहा गया, लेकिन अब सरकार के प्रवक्ता भी अपने माध्यम को ट्विटर तक सीमित करते जा रहे हैं। आज ही संजय सिंह, जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने भी एक बयान में यह साफ किया है और मॉब लिंचिंग की घटनाओं से जेडीयू सरकार का पत्ता साफ किया है। उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में जो लोग मारते हुए नजर आते हैं उनके हाथों में लाठी होती है, बस एक लालटेन की कमी है। तो इस बात से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं राजद के गुर्गों द्वारा की जा रही हैं। आरा भिया की भी जो घटना सामने आई थी उसमें राजद के एक नेता का पोस्टर जारी किया गया था जेडीयू द्वारा, और दिखाया गया था कि राजद के कार्यकर्ता माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस सवाल और जवाब के बीच, आरोप और प्रत्यारोप के बीच, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को निभा जरूर रहे हैं, पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं, पार्टी और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ महागठबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। लालू के वक्त को भी हमने देखा, तेजस्वी के वक्त को हम देख रहे हैं, और बीते कुछ दिनों में नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जिस तरह से बैकफुट पर जा रही है वो भी हम लगातार देख रहे हैं। इन सब बातों को मिलाकर, कुल मिलाकर बिहार की बात में आज यही सब रहा कि लालू के जंगल राज को तेजस्वी दोहराएंगे कि नहीं, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल सकते हैं। प्रमाण को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अनमैरिड हैं और उनके कोई दो साले नहीं हैं सुभाष और साधु की तरह जो उनके जंगल राज को बनाने में मदद करें, हालांकि तेज प्रताप ज़रूर हैं। बहरहाल बिहार की बात में इतना ही, आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।